सो hey, hello and welcome back to another video. स्वागत है एक नए एपिसोड में. सो आज डेट 28 जुलाई अभी हो चुका है. आज बृहस्पतिवार, शायद से यही बोलते हैं गुरुवार इसको. अभी अच्छे से याद नहीं है ना, मैं भूल गया. काफ़ी टाइम से स्कूल वगैरह में नहीं गया हूँ तो याद नहीं रहता मेरे को. तो अभी आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ एक अच्छी सी लोकेशन पे. अभी डिसाइड तो नहीं किया है बट हाँ, हो सकता है कि इधर कुछ, मैंने सुना है गुड्डा की साइड में, जैसे मैंने बोला था वो पहाड़ वगैरह है ना उस साइड में वो कभी दिखाऊंगा मैं. ऐसा काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा था तो आज मैंने मन किया सिंपली, क्योंकि आज मैं जो है अच्छे से पजामा पहन पाया. ये देखो मस्त पजामा पहन लिया मैंने आज, काफ़ी दिन बाद से हुआ हूँ. तो मैं मन किया कि यार कहीं घूमने जाऊँ. तो मैंने पहले तो ना अपने धर्रों को वॉश किया. ये देखो यहाँ पे हमारी धर्रो खड़ी है मस्त, और वहाँ पे हमारे पापा नहा रहे हैं. अभी फाइनली मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, तो बस अभी एक काम बचा है हमारा, चैन लूप करना पड़ेगा. और आज भाई लोग ब्रेकफास्ट करने में काफ़ी मज़ा आया, मस्त मिर्च थी और दही के साथ में बहुत मज़ा आया भाई लोग. तो अभी थोड़ा सा चैन लूप वगैरह कर लेते हैं. अभी देखो मैंने चैन लूप तो कर लिया, मेरे हाथ ना एकदम से ब्लैक ब्लैक हो रखे हैं, बट हमारी बाइक ना वो एकदम से देखो चमक रही है पूरी मस्त. इतना मस्त चैन लूप किया ना आज हमने, आवाज़ नहीं आनी भाई कहीं से भी बाइक में, तो बहुत मज़ा आएगा बाइक चला के. तो अभी सिंपली मैं हाथ वॉश कर लेता हूँ. अभी मुझे मैक्स सुनना, इसको पता चल गया मैं जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास मस्त आ गया है. ये देखो मुन्नू. तो अभी भाई लोग हम पहुँच चुके हैं गुड्डा बोर्ड जी, और वहाँ पे पेंडोम पे हमने चेक किया. भाई मैं 10 बार रुक के चेक कर चुका हूँ. अभी मैं 15 से 20 किलोमीटर क्रॉस कर लिया, बट उसके बाद भी जो है मेरे GoPro में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है. मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है भाई लोग कसम से. मेरा मन भी नहीं कर रहा, मेरा मूड हो रहा है कि मैं वापस ला जाऊँ. जब मेरे साथ ये GoPro ऐसा करता है ना भाई, मैं क्या बोलूँ, मेरा इतना ख़राब किस्मत है भाई लोग, मेरा मन ही नहीं करता. अब तो अपन चल रहे हैं उदयपुर वाटी. पहले हमें उदयपुर वाटी जाना पड़ेगा भाई लोग. लोकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 30-40 किलोमीटर क्रॉस करना है. डॉक्टर ने जी, नर्स मैम, सॉरी डॉक्टर ने जी अच्छा नाम है, नर्स मैम अच्छा नाम है. तो बहुत अच्छी बाइक चला रही है, देखो कितनी अच्छी स्कूटी चला रही है ये, कितने समूथ चल रहा है, स्कूटी को भी लग रहा है. ओ टॉमी भैया, टॉमी भैया से मिलेंगे हम. अभी लेके आए इसको, न्यू लेके आए हो क्या? नहीं नहीं भाई, वीडियो नहीं बना. क्या हुआ? हाँ आपकी झलक आ गई भैया, टेंशन मत लो. कौन सा है? लेब्राडोर. कहाँ से लेके हो? गुड्डा से. कितने रुपए में? कितने रुपए? मीटिंग के लिए. मीटिंग कराओगे इसकी? मीटिंग क्या होती है? तो भाई मुझे तो समझ ही नहीं आया यार क्या बोला इन्होंने. जो कराने करवाओ भाई, अपन चलते हैं. क्या हुआ भैया? फ्यूल खत्म हो गया क्या अंकल जी? फ्यूल खत्म हो गया. बैठ जाओ आप, मैं धक्का लगा दूंगा. आप बैठ जाओ बाइक पे. पैर ऊपर रख लो. ठीक है अंकल जी. वाह भाई लोग, वाह वो व्यू देखो यार भाई लोग, क्या व्यू है भाई लोग. बस वही से रिकॉर्ड हो जाए भाई. ओ भाई यार आज ना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई लोग, काफी मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ. यहाँ पे एकदम से मस्त ठंड आ रही है. तो हम खाएंगे पानी पूरी, हमारा भूख लग चुका है हमको. तो अभी सस्ते नशे वही है तो वो करेंगे और फिर चलते हैं यहाँ से. भाई लोग अभी बारिश हो रही है तो GoPro को सिंपली हमने भैया के पास में यहाँ पे रखा है. अभी पता नहीं यार कि इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, पर हमने ट्राई तो बहुत किया है. 100-150 वीडियोस बनाए हैं, उनमें से पता नहीं किसी में वॉइस आएगी नहीं आएगी. तो भैया से मैंने पहले ही पूछ के खा के गया हूँ एक बार. मैं छाकोमली से आया था, मेरे को काफ़ी टेस्ट लगे थे. तो अभी फिर से ट्राई करेंगे, आज क्या इंटरेस्ट रहता है. तो अभी मस्त पानी पूरी खाते हैं, उसके बाद में बात बात करते हैं आपसे. तो भाई लोग सामने आ रही है नाकाबंदी, तो नाकाबंदी को तोड़ते हम जाएंगे छापोली, और छापोली जाने के बाद में हमें मिलेंगे मस्त मस्त कुंड देखने को. तो बढ़िया कुंडों के पास में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे लोग मजे ले रहे हैं. अपन वो तो नहीं कर पाएंगे, नहा तो नहीं पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आज जो है तुम्हें पता ही है तुम्हारे भाई को पैर में लगी हुई है, इसी वजह से अपन नहा नहीं पाएंगे. बट हाँ पूरा इंजॉय करके आएंगे, मजे लेके आएंगे पूरा. तो भाई लोग आज हम आ चुके हैं उत्तराखंड की वादियों में. तो यहाँ पे देख सकते हो, आपके अलावा हमें कोई नहीं सुनने वाला, सिर्फ ये दीपू भैया हैं यहाँ पे जो हमें सुन रहे हैं. वो पूरा घना जंगल है, अमेजन का घना जंगल. तो ये देख सकते हो भाई लोग वहाँ पे, वो देखो वहाँ पे हम लोग चलेंगे, और वहाँ पे बादल जो है वो टच कर रहे हैं पहाड़ों को. तभी बस आ रही है इसलिए मैं रोड से नीचे आ गया भाई लोग. ओ भाई कुछ नहीं, मेरे पास माइक वाइक कुछ नहीं है, और GoPro में तो आज माइक काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आज हम बहुत मस्त जगह पे आ गए हैं. GoPro जो है दीवाना हो गए भाई लोग. तो भाई लोग 80 वीडियो हो चुके हैं, फाइनली हम पहुंच चुके हैं छापोली वाले गांव में. तो अभी ये वाला गेट है, तो दीपू भैया चला रहे थे तो थोड़ा आगे ले इन्होंने, तो अभी इन्होंने बोला रास्ता खराब है तो आप चला लो, तभी मैं चलाऊंगा बाइक.
सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो ये गेट है कदम कुंड का। तो हम लोग कदम कुंड के अंदर आपको लेके चलेंगे और पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, अभी बाइक पे बैठते हैं और सारा सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। भाई ये विक्की चढ़ तो जाएगी ना, मेरे को इस पर भरोसा नहीं है। ये देखो भाई कितना ऊंचा है यहाँ पे। चलो फाइनली यहाँ पे आ तो गए, अभी पता नहीं कुंड कहाँ पे है बस। देखो भाई लोग सांप, भाई मेरी तो फट रही इसे देख के। तो चलो भाई लोग अपन ने मस्त बाइक पार्क कर दी है, अभी फोन निकालते हैं उससे रिकॉर्ड करेंगे सारा सब। गोप्रो को साथ साथ में रिकॉर्डिंग होने देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये लो दीपू भैया ये डाल लो। तो यहाँ पे भाई कुछ छोड़ने का तो चांस ही नहीं है, चोरी होने का डर है। ये मंदिर है यहाँ पे मस्त, देखो भाई लोग क्या झरने आ रहे हैं ऊपर से। अभी मैं गोप्रो में दूसरा रिकॉर्डिंग जो है उसके दूसरे एपीएस पे रिकॉर्ड करता हूँ। भाई यहाँ पे क्राउड देखो आप लोग कितना सारा है। तो भाई मोबाइल से शूट करने का तो कोई चांस नहीं, कुछ सुनेगा नहीं मोबाइल से। तो अभी मैं एक बार चेक कर लेता माइक मेरा अच्छे से काम करा नहीं करा। क्या वो ऊपर जो है, ओ भाई भाई मैं गिर न जाऊँ यहाँ से, फिसल के पहले से पैर में लगी हुई है। ये देखो भाई कितना सारा क्राउड है यहाँ पे। तो भाई लोग इस साइड में तो लेडीजों के लिए है, तो अपन उस साइड में चलते हैं तो पूरा व्यू दिखाते हैं आपको। तो भाई लोग मैं वीडियो के चक्कर में वहाँ से, वो देखो वहाँ से पहाड़ पे से ये वाले पहाड़ पे आ गया हूँ। अभी और ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे जो शूज हैं वो थोड़े थोड़े गिल्ले हो चुके हैं तो स्लिप हो रहे हैं। वो वहाँ से देखो पूरा एकदम से सब लोग नहा रहे हैं। तो भाई लोग ये है शायद से इसका कदम कुंड या पदम कुंड ऐसा कुछ नाम है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो इस साइड से देखो पूरा झरना आता है, वो मैं उस साइड से भी दिखाऊंगा अच्छे से। तभी थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ फिर वहाँ जाके दिखाता हूँ। अभी पुलिस वाले विशल तो मारे हैं बट भाई लोग क्या करूँ यार, करना पड़ता है आप लोगों के लिए। अभी ये एक तो ना क्या रखा है कि इन पे सवान लग रखे हैं तो मैं स्लिप हो रहे हैं मेरे पैर जैसे जैसे मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता भी है भाई, ये ना काट लें। उस साइड से देखो वो झरना आ रहा है पानी का, दिख रहा होगा अच्छे से। सो ये देखो लोग मस्त तैर रहे हैं यहाँ पे, जिनको तैरना आता है वो तैरते हैं यहाँ पे, जिनको तैरना नहीं आता वालों के लिए उनके लिए साइड में कुंड बनाया हुआ है। मैं सांस का भर गया भाई लोग इतना हाइट पे आते थे। और एक बार व्यू देखो भाई क्या मस्त व्यू है यार, मजा आ गया भाई लोग यहाँ आके। भाई लोग इस साइड से और देख सकते हो, अभी मैं ये वाली छत पे आ गया हूँ। सो इस साइड से आया हूँ यहाँ पे, पूरा देख सकते हो पूरा पुलिस वालों ने सिक्योरिटी वगैरह लगाई है, फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा वो रखा है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे लोग आ रखे हैं तो कंट्रोल से बाहर हैं ये सब। तो अभी वहाँ पे जो है एक बंदा डूब जाता बट उसको बचा लिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बचाने के लिए, उनको तैरना आता है तो वो लोग बचा लेते हैं। गोताखोर वगैरह एनी टाइम यहाँ पे तैयार रहते हैं उनको बचाने के लिए। देखो भाई लोग मस्त जंप लगा के पूरा मज़ा ले रहे हैं एकदम से, छुट्टी मनाने रखे हैं। वहाँ से झरना आ रहा है, अभी बारिश होती है ना तो बहुत तेज़ झरना आता है। तो अभी बारिश के टाइम पे तो अपने पैर में लगी हुई थी इसलिए नहीं आए अपन। और यहाँ पे ये देखो मस्त कबूतर आ रखे हैं। सो फाइनली हम लोगों ने कुंड वगैरह सारा सब कुछ दिखा दिया अच्छे से। सो ये देख सकते हो इस साइड में भी आप जैसे बाहर की साइड में आते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ टेंपल वगैरह मिलते हैं और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सो ये वाला कुंड जो है इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि अपने को अंधेरा ना हो, जितना जल्दी हो सके अपन सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छे से। पहले से अपने को शाम हो रखी है। सो भाई जा रहे थे, भाई बोल रहे थे ब्रेक नहीं है तो मैं कैमरे में ध्यान दे रखा था पूरा। तो अपन ने बाइक यहाँ पे पार्क की थी
तो बाइक लेके निकलते हैं अभी यहाँ से, और बाकी ना रास्ते में चलते चलते बता देंगे अपने को क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो फाइनली भाई लोग हम वहाँ से तो आ गए। अब ये देखो भाई यहाँ से व्यू देखो आप लोग, क्या मस्त व्यू आ रहा है ऊपर से, ये बादल मतलब आंखें तरस गई थी मेरी ऐसा व्यू देखने के लिए, काफी टाइम बाद मेरे को ऐसा कुछ देखने को मिला है। अरे भाई यार आज मेरे हाथ से कंधान हो गया भाई यार, ये गिले भी भाई मेरे बीच में क्या हुआ यार, अरे शिट यार। अरे भाई 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 लग गई यार ये, चलो भाई। अरे यार सिट भाई मेरे को लगा निकल जाएगी यार ये, पर ये नहीं आई भाई, सॉरी यार भाई लोग, आज तो सुबह सुबह मूड खराब था पहले मेरा, ऊपर से ये सब हो गया मेरे से। चलो कोई नहीं भाई, सॉरी यार, मेरी वजह से किसी की जान चल गई यार आज, ये गलत हुआ भाई लोग मेरे साथ यार। सुबह सुबह भाई दिमाग खराब हो गया, पूरे दिन मूड ऑफ रहेगा भाई लोग, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि भाई लोग आप सभी ने देखा है, सुबह सुबह ना मेरे से कांड हो गया यार, कसम से भाई लोग मेरा मूड इतना खराब हो गया था। उसके बाद मैं देख लो सुबह 9-10 बजे निकला था घर से, और जब तक शायद 11 बजे थे, अच्छे से याद नहीं मेरे को, बट मैं 11 बजे दीपू भैया को लेके कार ही आ गया था। तो जैसे मैं कार ही पहुंचा, उसके बाद मेरा पहले तो एक तो वैसे ही मूड खराब हो गया, ऊपर से कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, तो मैं 2 घंटे तक वेट किया, और कार में मेरे को 1 बजे कुछ काम था, फिर 1 बजे हम यहाँ से निकले, और गुड्डा पहुंचते हमें 3-4 बज गए। तो 3-4 बजे जाके हमसे जितना एक्सप्लोर होता कर लिया। आज सुबह से मेरा मूड ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने वो वाली क्लिप आपको पहले नहीं दिखाई, लास्ट में दिखाई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो चीज़ें मेरे साथ हूँ मैं सब कुछ आपको बताऊँ। तो मुझे पता है ये चीज़ थोड़ी सी अलग थी, कुछ लोगों को हर्ट भी हो गया यार, बट भाई लोग ये मेरी गलती थी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो गलतियाँ करूँ वो भी मैं दिखाऊँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी उसको बचाने की, बट वो निकल गई थी पहले, फिर पता नहीं उसका क्या मन किया कि वो घूम के वापस आके पीछे जो टायर था ना, पीछे वाला टायर के अंदर आ गई यार। कसम से भाई लोग मुझे बहुत बुरा लगा, पर मेरे से जितना हुआ मैंने किया, मैंने ट्राई किया भाई, मैं बाइक रोक के वापस भी गया, मेरे को लगा एक बार के लिए कि वो जिंदा है नहीं गई होगी, पर वो उसमें जो है आपको पता है गिलहरी में बहुत कम वजन होता है भाई लोग, वो वजन सहन नहीं कर पाई। सो सबको सॉरी यार, कसम से मेरा मन नहीं किया, मेरा एकदम से मूड ऑफ हो गया, पर क्या कर सकते हैं भाई लोग, अब जो होना था वो तो हो गया, तो मैंने सिंपली बस उसको दफना दिया वहीं पे, और फिर मैं वहां से आ गया, और मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया था कुछ टाइम के लिए। सो यही सीन हुआ भाई, आज का दिन फिर से खराब है। मान लो आजकल मेरे पूरे दिन खराब चल रहे हैं एकदम से, मैं रिकॉर्ड करता हूँ रिकॉर्ड नहीं होता, ये सभी चल रहा है मेरे साथ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ भाई, मेरे हाथों से किसी जानवर की जान गई है। मैंने आज तक कभी भाई अपनी लाइफ में 8 साल हो गया मेरी बाइक के नीचे कभी ऐसे कोई जानवर नहीं आया, आज तक नहीं आया, कोई आ गया तो मैंने रोक ली। आज भी मैंने बाइक कंट्रोल करने की कोशिश की, पर पता नहीं यार क्या सीन है।